तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे जरा अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों पढ़ो जरा एक बार पहले क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ पढ़ना। लिखा हुआ है कि भाई कुछ लड़के और कुछ कुत्ते किसी जगह पर हैं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ हेड, जो सर हैं टोटल 7 हैं, तो देखो लड़के का भी दोस्त एक ही सर होगा ना, अगर लड़का है तो एक ही होगा, रावण है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन लड़का है तो एक ही सर होगा। सिमिलरली जो डॉग है उसका भी एक ही सर होगा, तो टोटल जो सर है वो कितने हैं, 7। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं इसकी मैथमेटिकल। तो दोस्तों मैं जो टोटल नंबर ऑफ बॉयस है उसे बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और जो टोटल नंबर ऑफ डॉग्स है उसे मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा जितने बॉयस हैं उतने हेड होंगे, जितने डॉग्स हैं उतने हेड होंगे, टोटल हेड कितने हैं, 7 है। ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसी के अंदर रीजनिंग के पेपर में आपके, लेकिन एनीवेज है तो आपके काम कहीं ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आता ही आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस तरीके का, है ना, सिंपल इक्वेशन बेस्ड। आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं वो 20 है, मतलब टोटल जो लाते हैं वो 20 हैं। तो दोस्तों बॉय की तो 2 लाते होंगे, तो 2b से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब डॉग है तो 4 लाते होंगे, अगर लंगड़ा बंगड़ा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो 4 लाते होंगे, है ना। तो 2b प्लस 4d कितना दे दिया, 20, ठीक है। जो लाते हैं उनका जो योग है वो 20 है, और जो सर है उनका जो योग है 7 है, ठीक है। बी और डी से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने लड़के होंगे उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो लड़कों के उतनी लाते होंगे टोटल, और जितने डॉग्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल डॉग्स की लाते भी होगी, दोनों को ऐड कर लूं तो 20 दे रखा है एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों आपसे उन्होंने ये पूछा कि भाई कितने लड़के हैं और कितने कुत्ते उस जगह पर मौजूद है, यानी आपको बी निकालना और डी निकालना है, एज सिंपल एज दैट। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। एक काम कर लो, जो पहली वाली क्वेश्चन है आपकी, इसको क्वेश्चन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको 2 से, जो पहले वाली क्वेश्चन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पर, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा, 7 को 2 से अगर मैं गुणा करूंगा तो 14। इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, तो प्लस का 2b और माइनस का 2b, ये तो कट ही गया आपस में, 2d में से 4d गया तो माइनस का 2d इज इक्वल टू 14 में से दोस्तों 20 गया तो माइनस का 6, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट गया, 2 के पहाड़े से 6 को अगर हम काटे तो 3 आ जाएगा, तो डॉग्स आ गए 3। अब दोस्तों अगर 3 कुत्ते हैं और टोटल बंदे बताए गए थे 7, तो इसका मतलब बॉयज कितने हैं, 4, ठीक है, और डॉग्स कितने हैं कल के आए हैं, 3, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में जहाँ भी आपको देखा होगी बॉयज 4 और डॉग्स 3, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसके अंदर हमें रिलेटेड वर्ड बताना है, संबंधित शब्द बताना है, ठीक है। पहले हमें इन्होंने दिया हुआ समर और एस्टिमेशन, समर यानी कि ग्रीष्म, ठीक है, गर्मी और शिथिलता में दे रखा। तो एक्चुअली दोस्तों जो एस्टिमेशन होता है ये आप याद रखना, जनरल अवेयरनेस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एस्टिमेशन क्या होता है, या आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है किसी एनिमल का नाम देकर कि भाई क्या ये जो एनिमल है एस्टिमेशन वाले प्रोसेस में होता है, नहीं होता। और इंग्लिश में भी आपसे हो सकता है कि इसका कुछ मीनिंग आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एस्टिमेशन क्या होता है, फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों गर्मियों में होता है कि आपने देखा होगा, आपने मगरमच्छ को देखा है कभी, अब चिड़ियाघर वगैरह कहीं गया आपने देखा होगा, मगरमच्छ गर्मी में ना ऐसे पड़ा रहता है जैसे लाश पड़ी, जैसे मरा पड़ा है ना, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जैसे जान ना हो शरीर के अंदर, कई घंटों तक उसी तरीके से पड़ा रहता है तपती गर्मी में, धूप के अंदर आपने नोटिस किया होगा। तो बहुत सारे जानवर दोस्तों इस तरीके से करते हैं कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है ना तो वो कहीं रेस्ट के मोड में चले जाते हैं, ठीक है, जब उनका मेटाबॉलिक रेट वगैरह गिर जाता है और वो आराम करते रहते हैं कई घंटों तक, ठीक है, लंबी मतलब जो गर्मी की नींद होती है ना, समर स्लीप समझ लो लॉन्ग, उस प्रोसेस को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं, शीतलता कहते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस के जो उल्टा होता है वो होता है सर्दियों में, उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन यानी कि हिंदी में लिखते तो शीत निद्रा, शीत निद्रा कहते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेशन को उल्टा होता है, एस्टिमेशन में जानवर गर्मी में आराम करता है, लंबा सोता है, और हाइबरनेशन में जानवर सर्दी में लंबा सोता है। अब अगर हाइबरनेशन का आपको एग्जांपल बताऊं तो भालू, भालू सर्दियों में दोस्तों लंबा सोता है, चमगादड़ जो है इसका एग्जांपल है हाइबरनेशन का, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको पता होती है कि एस्टिमेशन क्या होता है तो आपको इमीडिएटली क्लिक कर जाता है कि भैया हाइबरनेशन सही आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखो आपको देखा कि भाई अगर जो रिड्यूस शब्द है वो 56 के बराबर है और रिसाइकिल शब्द जो है 71 के बराबर है, तो ये बताओ रीयूज किसके बराबर होगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में ना देखो कोई वर्ड का
छप्पन होने का क्या मतलब, कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेरे जो अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक, उनको अगर मैं नंबरिंग दूं जहाँ पे मेरा ए वन हो और ऐसे करते हैं कितने अल्फाबेट्स हो टोटल 26, जहाँ पे मेरा जेड हो 26, ठीक है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ कि ये 56 कैसे आए, वैसे निकालने की कोशिश करता हूँ, दोस्तों आर कितना होता है उस हिसाब से 18, ठीक है। आर जो होता है वो 18 होता है, ई क्या होता है 5, डी क्या होता है 4, यू कितना हो जाएगा, टी होता है 20, तो टी का नेक्स्ट यू 21, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, बीच बीच में मेरे को पता रहता है टी 20 है, तो उससे आगे पीछे कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाती है। सी इज 3, ई इज 5। अब एक काम करो दोस्तों, इन सभी नंबरों को जरा एक बार देखा, इनका योग क्या आ रहा है, इनका सम क्या आ रहा है। 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30, 30 और 21 51, 51 और 5 56। इसका मतलब इन सब अल्फाबेट का जो नंबर है उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये नंबर निकल के आता है। सिमिलरली आप एक काम करो, आप इस वीडियो को देखो तो रिसाइकिल का आप अपने आप घर पे एक बार देखो, ऐड करके 71 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आपका जो वाई है वो 25 होगा, सी 3 होता है, ई 5 होता है, आर 18 होता है, ठीक है। ऐसे ई आपका 5 होता है, ठीक है। एल होगा आपका 12, क्योंकि एम हमारा 13 होता है भाई। ए से अगर मैं शुरुआत करके एम तक जाऊं तो ये 1 से लेकर के 13, फिर एन से लेकर के मैं जेड तक जाऊं तो एन 14 होता है, और ऐसे जेड मेरा 26 होता है, ठीक है। तो जे के एल एन एल यहाँ पे आता है, तो एल मेरा 12 होगा, ठीक है। अब आप इसको एक बार ऐड करके देखना, आपका 71 आ जाएगा। तो इससे तो दोस्तों मुझे ये पता लग गया कि लॉजिक क्या है, ठीक है। लेकिन मुझे तो आंसर निकालना है ना, तो निकालते हैं आंसर क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ए आर कितना होता है 18, ई कितना होता है 5, यू कितना होता है 21, एस टी यानी एस होता है मेरा 19, क्योंकि टी 20 होता है, ई होता है मेरा 5। अब एक बार देखना 21 और 19 कितना हो जाएगा 40, 21 और 19 40, 40 और 10 50 और 18 68, ठीक है। सम जो है इन सभी नंबर्स का 68 निकल करके आ जाएगा, तो 68 मेरा दोस्तों सही आंसर होगा। आप एक बार ऑप्शन के अंदर देखो, जहां भी आपको 68 दिया होगा ऑप्शन में, वो सही आंसर होगा। देखें दोस्तों हमारे जरा अगले क्वेश्चन को। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन के चैप्टर में से है, ठीक है, जहाँ पे हमें पता करना है कि भाई एन का वाई से क्या संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, इसका डायग्राम जो है हम साथ के साथ बनाते जाएंगे, ठीक है, और जो मेरी टेक्निक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मेल मेंबर के लिए मैं स्क्वायर बॉक्स बनाता हूँ और फीमेल के लिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इससे मुझे पता रहता है कौन मेल है कौन फीमेल है। जो सेम जनरेशन लेवल पे होते हैं उन्हें सेम लेवल पे रखता हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा है तो वो निचले लेवल पे आ जाएगा, अगर कोई माँ बाप या उस लेवल पे सास ससुर वाले तो वो ऊपर के लेवल पे आ जाएगा, वो आप अभी देखोगे जब मैं क्वेश्चन को इसे करूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। फ्रेंड्स वो कह रहे हैं कि एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, तो बनाना शुरू करते हैं। एक्स हस्बैंड है तो एक्स मेल है, वाई फीमेल है, ठीक है। उन्हें कनेक्ट करते हैं क्योंकि उनके बीच में जो है क्लोज रिलेशन है, ठीक है। तो एक्स मेल है, वाई फीमेल है, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, ये चीज हमें दी हुई है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, एक्स की बेटी है डब्ल्यू, जो कि सेकंड लेवल पे आ गई, और क्योंकि बेटी है फीमेल है इसलिए मैंने उसे सर्कल में डाल दिया। ये फर्स्ट लेवल है मम्मी पापा वाला, ये सेकंड लेवल है मतलब उससे नीचे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये एक्स की बेटी है तो वाई की भी बेटी होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का हस्बैंड है जेड, यानी कि मेल मेंबर है तो स्क्वायर के अंदर डाल दिया हमने जेड को, ठीक है। आगे चलते हैं, एन इज डॉटर ऑफ जेड, जेड की बेटी है एन, क्योंकि जेड की बेटी है तो डब्ल्यू की बेटी तो ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। अब हमें रिलेशन किसके बीच में पता करना है, एन टू वाई, मतलब एन वाई की क्या लगती है। देखो वाई कौन है, लेडी, डब्ल्यू भी लेडी है और एन भी एक फीमेल है, तो डब्ल्यू वाई की बेटी क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। वाई की बेटी कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू की बेटी कौन है, एन, तो बेटी की बेटी क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर लगती है। तो दोस्तों ऑप्शन के अंदर आपको जहां भी दे रखा होगा ग्रैंड डॉटर पोती, वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हमें मिसिंग फिगर पता करनी है, छूटी हुई आकृति पता करनी है, ठीक है। और ये हमारी विजुअल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। बहुत इजी होता है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, हर एक जो सिंबल दे रखा है ना, बस हमें ये देखना है कि वो सिंबल किस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो
हर एक सिंबल को हम देखेंगे वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर जो फाइनल फिगर बनेगी उसको आप अपनी ऑप्शंस के साथ मैच करना, ठीक है? तो जो ऑप्शन बन जाएगी और जो भी ऑप्शन उसे मैच कर जाएगी वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं पहले हमारे सर्कल से। अगर आप दोस्तों नोटिस करो तो हमारा जो सर्कल है यहाँ से, मैं एक बार सेपरेट बॉक्स बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ओके? सर्कल अभी कहाँ पे दोस्तों? फर्स्ट फिगर में यहाँ पे, और जरा देखो सर्कल मूव कैसे कर रहा है। यहाँ से सेंटर पोजीशन पे आ गया सेकंड फिगर में, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ तो वो है जो हम अभी बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों फर्स्ट से सेकंड में सर्कल कैसे मूव करा? सेंटर में आ गया। फिर थर्ड उसमें क्या करा सर्कल ने? इस कॉर्नर पे आ गया। फोर्थ में क्या करा? फिर से वापिस चला जाता है अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे, ठीक है? तो सर्कल की आपने मूवमेंट देख ली, सर्कल यहां जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर वापिस आ जाता है। तो दोस्तों जब वापिस आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर सर्कल वापिस आ गया फोर्थ वाले बॉक्स अंदर, देखो तो अब कहां पे जाएगा? नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी? फिर से सेंटर लोकेशन में आएगा, ओके? तो सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट किसी सिंबल को देखते हैं, ट्राइंगल को देखते हैं फ्रेंड, इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि सर्कल की पोजिशन हमें पता लगे कि सर्कल की पोजिशन क्या होगी फिफ्थ बॉक्स के अंदर। ट्रायंगल को देखना चाहो दोस्तों एक बार, ट्रायंगल कहाँ पे लोकेटेड है फर्स्ट फिगर में? सेंटर में। सेंटर से कहाँ चला जाता है? यहाँ पे, ठीक है, कॉर्नर पे आ गया, कॉर्नर से ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया। फोर्थ फिगर में फिर से यहाँ आ गया, यहां से अब कहाँ जाएगा? नीचे। यहां से अब कहाँ आ जाएगा? फिफ्थ फिगर में, इस कॉर्नर में ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो ऐसे हम ड्रॉ करते चले जाएंगे। चलो अब अगले किसी सिंबल को देख लेते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं हम इसको एक बार। अगर दोस्तों आप देखो कि ये जो है ये 180 डिग्री अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, मतलब अभी ट्रायंगल को हटाता हूँ यहाँ से, अभी ये इस तरीके से है, नेक्स्ट फिगर के अंदर ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। फिर थर्ड फिगर आती है, फिर से 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। फोर्थ फिगर में फिर रोटेट होके नीचे, तो अब फिफ्थ फिगर में क्या होगा? रोटेट होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है? देखें जरा आप किसी, कौन सा हमारा लास्ट सिंबल रह गया? दोस्तों लास्ट सिंबल हमारा रह गया सी, जिसको अभी हमने चेक नहीं करा, ठीक है? एक बार आप अपनी ऑप्शन चेक करो क्वेश्चन की, तो आप पाओगे कि सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन है जिसमें ये तीनों इस पोजिशन पर पड़े हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको चौथी सिंबल को ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। जिस भी ऑप्शन फिगर में आपको ये तीन इस पोजिशन में मिल जाएंगे, किसी दूसरे के अंदर ये इस पोजिशन में अवेलेबल नहीं होंगे, आप उसे आंसर को मार्क करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाओगे, अपने समय को बचाओगे कीमती। एनीवेज यहाँ पे अभी हम जो लास्ट सिंबल है उसकी भी जो रोटेशन है उसको, उस पैटर्न को पकड़ेंगे। तो दोस्तों सी कहाँ पे अभी? फर्स्ट बॉक्स में, इस कॉर्नर पे, ठीक है, लेफ्ट बॉटम में। फिर यहां से कहाँ चला जाता है? सेकंड फिगर में ऊपर, ठीक है। फिर कहाँ चला जाता है? सेंटर में, थर्ड फिगर में। फिर वापस आ जाता है कहाँ पे? कॉर्नर में। अब अगली पोजीशन क्या होगी? ऊपर, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर है, जो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। वैसे तो आपको जरूरत नहीं थी, समय आपको बचा लेना चाहिए था जब भी आपकी दो सिंबल या तीन सिंबल एक ऐसी लोकेशन पे हो जो आपके सॉल्यूशन में मैच कर रही है, किसी भी दूसरी ऑप्शन में वो उस पोजीशन पे ना पड़े हो, तो आप सीधा उसको मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है? देखते हैं फ्रेंड हमारे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को।